पर्स में रखें ये चीजें, प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी, हमेशा पैसों से भरी रहेगी जेब। पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, हमारी मूलभूत जरूरतों से लेकर ऐशो आराम की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर माता पिता के इलाज और खाना कपड़ा खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। पैसा कमाने के लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार हमें सफलता नहीं मिलती। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पैसा तो ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन हमारा खर्च भी उतना ही रहता है और हमारे पास पैसा नहीं बचता है। ऐसे में हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से अगर एक भी चीज़ आपके पर्स में हो तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप मालामाल रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर एक, हिंदू धर्म में चावलों को शुभ माना जाता है। यही वजह है जब हम कोई शुभ काम करते हैं या पूजा करते हैं तो उसमें चावलों के दानों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं टिकते, आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन पॉकेट हमेशा खाली रहती है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको पर्स में चावल के दाने रखने चाहिए। लेकिन चावलों के दाने पर्स में कैसे रखें कि धन की कमी ना हो, तो ध्यान से जान लें। किसी भी पूर्णिमा के दिन लाल रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लें, इसमें अखंडित चावलों के 21 दाने रखें, कुछ देर इसे चांद की रोशनी में रहने दें और फिर कपड़े को फोल्ड करके आप पर्स में ऐसी जगह रखें जहां कोई दूसरा देख ना सके। ऐसा करने से आपके खर्चों पर तो नियंत्रण लगना शुरू होगा ही, साथ ही बचत और आय के नए साधन के योग भी बनने लगेंगे। नंबर दो, रात्रि में सोते समय पर्स कभी भी सिरहाने ना रखकर उसे हमेशा अलमारी में रखें। नंबर तीन, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा की तस्वीर रखने से कभी भी आपके पर्स में पैसे की किल्लत नहीं होगी। नंबर चार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर उसे अपने पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर पाँच, ऐसी मान्यता है कि लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिखकर लाल रेशमी धागे से गांठ बांधकर उसे पर्स में रखना चाहिए। ऐसा करने से लाल कागज में लिखी गई इच्छा जल्द पूरी होती है। नंबर छः, यदि कर्ज का ब्याज देना हो तो वह रुपए पर्स में भूलकर भी ना रखें। रखोगे तो कर्ज नहीं उतरेगा बल्कि और चढ़ने की संभावना रहेगी। नंबर सात, बरकत का एक और उपाय बताते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की तरह ही आपके माता पिता का आशीर्वाद भी अगर आपके साथ रहे तो आपको कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती। अपने हर जन्मदिन पर माता पिता से नोट पर उनसे हाथों से केसर का तिलक लगवा कर लें। अब इस नोट को सीधा अपने पर्स में रखें। ध्यान रखें कि इसे पूरा साल खर्च ना करें। अगले साल फिर इसी तरह नोट लें और पुराना नोट किसी भी देवी स्वरूप कन्या को भेंट कर दें। इस छोटे से उपाय से साल भर आपकी जेब पैसों से भरी रहेगी। नंबर आठ, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उनसे संबंधित गोमती चक्र, समुद्री कोड़ी, कमल गट्टे, चांदी का सिक्का आदि भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इन चीज़ों को पर्स में रखने से पहले थोड़ी देर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। ऐसा करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर नौ, एक धातु चांदी भी बड़े फायदे की चीज़ है। चांदी के चकोर टुकड़े का एक टोटका गजब के नतीजे देता है। साथ ही नौकरी व्यापार की बाधाएं भी दूर होती हैं। इतना ही नहीं, इसे पर्स में रखने से पैसे की आवक ही नहीं लंबे वक्त तक पैसा टिकाए रखने में भी मदद मिलती है। नंबर दस, चांदी का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र सभी भौतिक सुख समृद्धि का कारक है। ऐसे में चांदी का टुकड़ा रखते ही शुक्र ग्रह सुख फल देने लगता है। व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं पैसा बढ़ता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।